गुड मॉर्निंग क्लास ए, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारी पिछली क्लास में, इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव डन द पोयम द एंट एंड सॉरी वी हैव डन चैप्टर टू द सुनामी। हमने क्या कर लिया था? हमारा चैप्टर टू सुनामी कर लिया था, जिसके क्वेश्चन एंड आंसर मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज दिए। बट कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि वो सारे क्वेश्चन आंसर करने, जो भी क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं आपको सिर्फ उन्हीं के आंसर करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने। आया समझ में? आज हम पोयम शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर के बाद एक पोयम थी जो मैंने छुड़वा दी थी, बट टुडे वी विल डू दैट पोयम। आज हम वही पोयम करेंगे, द एंट एंड द क्रिकेट। एंट यानी चींटी और क्रिकेट क्या होता है? झिंगुर। क्रिकेट क्या होता है? झिंगुर। आपने देखा होगा रात को आवाजें आती है झिंगुरों की और झिंगुर, तो उसे कहते हैं क्रिकेट। ये स्पेलिंग सेम क्रिकेट जैसी होती है बट इसको कहते हैं क्रिकेट। इट इज अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, एनिमल जानवरों की एज अ कैरेक्टर। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो चींटी है और जो क्रिकेट है ये आपस में बात कर रहे हैं। ये एक मैसेज देगी हमें, ये स्टोरी एक मॉरल देगी। The poem is about an ant and the cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of four-legged as of a two-legged। अब आपने देखा होगा कि चार पैर और दो पैरों के बीच में फर्क होता है, ये उन दोनों के कॉन्वर्सेशन की बात। Surely you have seen a cricket that has two legs। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट को, झिंगुर को, जिसके क्या होते हैं? दो पैर। तो यहाँ पर उन दोनों की जो दूरदर्शिता है चीजों को देखने की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेंजा वन। आपको स्टेंजा वन पढ़ना है और उसका अर्थ कॉपी में करना है। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। एक युवा, बट एक सिली, सिली मतलब मूर्ख, सिली मतलब मूर्ख, हार्ड वर्ड भी साथ करेंगे। सबसे पहला है सिली, सिली मतलब एक मूर्ख, यंग जवान क्रिकेट झिंगुर। अकस्टम टू सिंग का मतलब हो गया जो कि सुहाने गरम। अकस्टम टू सिंग, अकस्टम लिखिए पहले, किसका आदि था? अकस्टम का मतलब होता है आदि, यूज टू होना किसी चीज का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्विम, जो कि कब गाने का आदि था? जब वो क्या गाना गाता था? समर सीजन में या फिर स्प्रिंग सीजन में, है ना। एंड बिगेन टू कम्प्लेन ही फाउंड दैट एट होम, और जैसे ही समर मौसम आता वो शिकायत करना चालू कर देता। क्या शिकायत करना चालू कर देता? हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी जो कबर्ड है वो एम्प्टी है। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर क्या है? आने वाला है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक मूर्ख युवा जो झिंगुर है, जो ग्रीष्म और जो समर और बसंत के सीजन में सुहाने गाने गाने को आदी रहता है, शिकायत करने लगा कि सर्दी का जो मौसम आएगा तब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि उसे जो काम करने का या खाना सर्च करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। आया समझ में? और वो ये शिकायत करने लगा कि, और ये मतलब होता है हैप्पी, तो वो ये शिकायत करने लगा कि अब सर्दी आने वाली है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। नॉट अ क्रम्प टू बी फाउंड, क्रम्प मतलब एक दाना भी नहीं है खाने को। नॉट अ क्रम्प टू बी फाउंड, उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। क्या कह रहा है वो? उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो बाहर ग्राउंड है वहां पर क्या हो गया है? बिल्कुल एकदम ठंड, पर जो स्नो है वो जमी हुई है, बर्फ की एक लेयर जमी हुई है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, आपने देखा होगा स्नोफॉल होता है तो फ्लावर नहीं उगते हैं, तो वहां पर जो फ्लावर, एक भी फ्लावर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। Not a leaf on a tree, leaf मतलब पत्ती, और पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं थी। Oh, what will come, says the cricket of me,
तो उसने कहा, उसने बहुत ही ज्यादा दुख भरी भाव से क्या कहा, अब मेरा क्या होगा। उसने क्या कहा कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा इन सब के साथ, अब मैं क्या करूं, मतलब इतना सा मैंने तो बिल्कुल भी खाना नहीं बचाया और अब बाहर क्या हो रही है, बर्फ ही बर्फ है और मैं अब खाना कहां से लेकर आऊं। आया समझ में आपको? चलिए, एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फामाइन मेड ब्लोड। स्टार्वेशन होता है भूखा मरना, भूखमरी, डेथ बाय हंगर, और फेमाइन होता है सूखा पड़ना। फेमाइन मतलब होता है सूखा पड़ना। और जब उसे ये लगने लगा कि अब जो उसकी जो भूखमरी है या फिर जो सूखा पड़ा है, उस अकाल के कारण उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, पूरा ठंड से भीगता हुआ, क्योंकि स्नो थी, स्नो पिघलते पानी में टर्न हो गई थी, भीगता हुआ, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंड, ट्रेम्बल करना मतलब होता है कांपना, कांपते हुए, कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली माइजरली एंड, और वो किसके पास गया, माइजरली एंड के पास, उसे आशा रखने वाला माइजरली एंड चींटी के पास गया वो, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। और उसे ये उम्मीद थी कि वो चींटी उसे वर्षा से क्या देगी, आश्रय देगी, या फिर उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ एक माउथफुल तो दे ही देगी। तो मतलब उसको इतना, वो इतना परेशान हो गया कि अकाल और भुखमरी से कि वो जाने के लिए रेडी हो गया, भीगता हुआ ठंड में, कांपता हुआ, भीगता हुआ वो चला गया चींटी के पास, माइजरली चींटी। तो उसे ये आशा थी उसके पास जाकर कि शायद वो मुझे कुछ खाने को दे देगी या फिर वो मुझे पना दे देगी। आया समझ में? आज हम यही तक करेंगे। यू हैव टू डू दीज हार्ड वर्ड्स इन योर रीडर कॉपी। दिस इज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू।